नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ऑन चेन डेटा के अनुसार 250 मिलियन डॉलर्स की बेल पर रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड ने कथित तौर पर सेशल्स बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज से $689,000 का कैश आउट किया है। बैंकमैन-फ्रीड को US कोर्ट ने कई शर्तों के साथ अपने माता पिता के घर में रहने की अनुमति दी है। अगर उनमें से किसी का भी उल्लंघन किया जाता है तो अदालत जमानत वापस लेने का निर्णय ले सकती है और FTX फाउंडर को 250 मिलियन डॉलर्स का भुगतान करने का आदेश दे सकती है और उनके माता पिता के घर को जब्त कर सकती है या उन्हें जेल भी भेज सकती है। शर्तों में से एक में बैंकमैन-फ्रीड को $1,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस को निष्पादित करने से प्रतिबंधित किया जाना शामिल है और अगर उनके बारे में नया दावा $680,000 को कैश आउट करने का सही है तो इसका मतलब है कि SBF ने बॉन्ड की शर्त का उल्लंघन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेडिंग फर्म अल्मीडा रिसर्च और उनकी सिस्टर कंपनी FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड ने अल्मीडा रिसर्च से जुड़े वॉलेट से आए अनआइडेंटिफाइड ट्रांसफर्स और टोकन स्वैप्स की एक सीरीज में शामिल होने से इनकार करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के रिस्पांस में जिसमें अल्मीडा से जुड़े लोगों के ट्रांसफर्स पर चर्चा की गई थी जिस पर सैम बैंकमैन-फ्रीड ने ट्वीट किया कि इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं। अदालत में दायर दस्तावेजों के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर लोकेटेड FTX कस्टमर्स के एक ग्रुप ने कंपनी से जुड़े इंसॉल्वेंसी केस की देखरेख करने वाले जज से कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए एक अनोनिमस रिक्वेस्ट की है। 28 दिसंबर को दायर एक दस्तावेज में 15 क्रेडिटर्स ने दावा किया कि FTX ने उन्हें टोटल $1.9 बिलियन का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि वे धोखाधड़ी के बढ़ते जोखिम और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी चोरी की वजह से अनोनिमस रहना चाहते हैं। फाइलिंग में कहा गया कि क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी करना मुश्किल था और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस की तुलना में ट्रेडिशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ज्यादा सुरक्षित थे। अगली खबर भी जुड़ी है FTX के साथ। FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड हाल में $250 मिलियन की जमानत के बॉन्ड पर जेल से बाहर है। कथित तौर पर 3 जनवरी को अदालत में अलेजेड FTX और अल्मीडा संबंधित फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स को धोखा देने और FTX क्रिप्टो एक्सचेंज पर आयोजित फंड्स की हेराफेरी के शक में यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने अनुरोध पर SBF को बहामास में गिरफ्तार किया था। 22 दिसंबर को अदालती सुनवाई के बाद SBF को जमानत पर रिहा कर दिया गया और 3 जनवरी को मैनहट्टन में US डिस्ट्रिक्ट जज ल्यूस कैपलन के समक्ष अदालत में पेश होने की उम्मीद है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान SBF द्वारा क्रिमिनल चार्जेस के लिए दोषी नहीं होने की याचिका दायर करने की उम्मीद है। 13 दिसंबर को SEC ने पूर्व FTX CEO पर 1933 के सिक्योरिटीज एक्ट और 1934 के सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट के एंटी फ्रॉड प्रोविजंस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। डिफेंडेंट्स को शुरुआती अदालती सुनवाई के दौरान दोषी नहीं होने की दलील देने का अधिकार है और उन्हें ड्यू टाइम में अपनी दलील बदलने की अनुमति है। चलिए बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं संदीप का रुख। ओवर टू यू संदीप। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भारतीयों के साथ करीब $11 मिलियन की धोखाधड़ी करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश कर रही है। संदिग्धों ने कथित तौर पर अपनी अभी तक लॉन्च की जाने वाली वर्चुअल करेंसी में निवेश पर 200% रिटर्न की पेशकश करके निवेशकों को धोखा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध जालसाजों ने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जिसमें दुबई में शानदार छुट्टियों का वादा भी शामिल था। जांच से यह भी पता चला है कि स्कैमर्स ने निवेशकों को बताया कि दुबई में एक महंगे ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे और जब कई निवेशकों ने वेरीफाई करने की कोशिश की तो उन्हें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स दिखाई दे। स्कैमर्स ने एक और दावा किया जिसमें उन्होंने बताया कि वे महाराष्ट्र में एक फाइनेंशियल कलेक्टिव चला रहे हैं। इन्वेस्टर्स को गुमराह करने के लिए कई इवेंट्स का भी आयोजन किया गया था। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल लीडो फाइनेंस सितंबर में इथेरियम मर्ज से सबसे अधिक बेनिफिट हासिल करने वाला लग रहा है। इसके टोटल वैल्यू लॉक यानी TVL के साथ अब दूसरे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi प्रोटोकॉल्स के बीच टॉप पोजीशन पर देखा जा रहा है। DeFi लैमा के डेटा के अनुसार MakerDAO के $5.89 बिलियन और आवे के $3.7 बिलियन की तुलना में लीडो का लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल अब TVL में $5.9 बिलियन का है। लीडो का मॉडल यूजर्स को ट्रेडिशनल कम से कम 32 ETH के लिए कमिट किए बिना लिक्विड ईथर तक
पहुंच की अनुमति देता है। दिसंबर में नैनसन के ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक्स ने नोट किया कि इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक में बदलाव के बाद इस तरह के स्टेकिंग सॉल्यूशंस उच्च मांग में थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए 3.0 TV। नमस्कार।